नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े तेवर दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया और कहा इस लड़ाई में अमेरिका भी साथ में है। मोदी ने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोगों से खचाखच भरे एनआरजी स्टेडियम में पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे अमेरिका में 9/11 से लेकर मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पाकिस्तान के शासकों की ओर संकेत करते हुए कहा, जिनसे खुद अपना देश नहीं संभलता उन लोगों ने भारत के प्रति अपनी नफरत को अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। इससे पहले ट्रंप ने भी इस्लामी आतंकवाद का उल्लेख करते हुए सीमाओं की सुरक्षा को अमेरिका और भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, हम निर्दोष नागरिकों की कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खतरे से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की ओर परोक्ष इशारा करते हुए कहा, ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उन्होंने कहा, उनकी पहचान आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में मोदी ने कहा, अब समय आ गया है आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में यह बात ऐसे समय में कही है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। इमरान की भी ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। मोदी ने कहा, भारत में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ करने के इरादे लेकर हम चल रहे हैं। हमने नई चुनौतियां तय करने की, उन्हें पूरा करने की जिद ठान रखी है। कश्मीर का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, भारत ने अनुच्छेद 370 को फेयरवेल दे दिया है। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 का फायदा अलगाववादी ताकतें उठा रही थी, अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भारत के अन्य क्षेत्र के लोगों के समान अधिकार दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा, आज भारत पहले के मुकाबले और तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। भारत कुछ लोगों की इस सोच को चुनौती दे रहा है, जिनकी सोच है कि कुछ बदल ही नहीं सकता। बीते 5 सालों में 130 करोड़ भारतीयों ने हर क्षेत्र में ऐसे नतीजे हासिल किए हैं जिनकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।